इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप बेस्ड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। जैसे कि मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन में एक इंडिविजुअलाइज बेस्ड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन है और दूसरे जो है वो ग्रुप बेस्ड है। ग्रुप बेस्ड में आपकी ट्रेनिंग आ जाती है, इंक्वायरी आ जाती है और डेवलपमेंट प्रोसेस जो मॉडल है वो आ जाता है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जब आप टीचर एजुकेशन में इनको अडॉप्ट करते हैं, ग्रुप बेस्ड मॉडल अडॉप्ट करते हैं, तो जितने भी जो ट्रेनर्स हैं, इंक्वायरीज हैं, जो टीचर्स हैं, उनको क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स और क्वालिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनके जो लेवल है, उसको मेंटेन किया जा सके। उसके बाद जो हाई सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव करने के लिए भी ग्रुप बेस्ड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रखते हैं। फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो कि न्यू कमर्स में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं, प्री प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जो बीएड और एमएड करके अपॉइंट हो जाते हैं, उनको उस सिनेरियो में, उस इंस्टीट्यूशन में सर्वाइव करने के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं, तो अगर हम ग्रुप बेस्ड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन अडॉप्ट करें, जिसमें हो सकता है ट्रेनिंग मॉडल हो सकता है, जिसमें इंक्वायरी मॉडल हो सकता है, जिसमें डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल हो सकता है, उनमें से कोई भी मॉडल अडॉप्ट करते हैं, तो वो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें उनको इंफॉर्मेशन एनहांस होती है और उनको काम करने में आसानी होती है। कुछ ओल्ड टीचर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है, क्वालिफिकेशन भी होती है, स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर चुके होते हैं, लेकिन वो उनकी मेमोरी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि वो बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं, रिजिडली एक ही चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। उनको रिमाइंड करवाया जाता है कि अब जो न्यू जनरेशन है उनको पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट है, तो अब आप उनको अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंस है उसमें यह है कि हम लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, कि जो डिलीवरी है वो पहले आप सिर्फ फेस टू फेस देते थे, अब आप उनको कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग की तरफ लेकर आ सकते हैं। मिस्टेक्स रिड्यूस हो सकती हैं कि जब आप कॉस्ट कोई लगाते हैं तो उसमें आपको ट्रेन जब किया जाता है तब आपको पता चलता है कि पिछली बार जो ट्रेनिंग हुई थी, पिछली बार जो इंक्वायरी बेस्ड हमने मॉडल अडॉप्ट किया या हमने डेवलपमेंट प्रोसेस का मॉडल अडॉप्ट किया, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया था, अब हम उसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं या कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखता है कि इसमें टीचर्स को, स्टाफ को फीडबैक भी मिलता है और सजेशंस भी मिलती हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद जो कम्युनिकेशन है और रिलेशनशिप है अपनी टीम वर्क में, कि उसको इम्प्रूव करने के लिए कि आपके जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं, जितने भी आपके कॉलीग्स हैं, जितने आपके पीयर्स हैं, हेड्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ आप अगर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप बेस्ड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन को अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।